सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। बिग बॉस 13 को खत्म हुए अभी बहुत समय भी नहीं हुआ, केवल 2 महीने ही बीते हैं और यहाँ पर अब बिग बॉस 14 की चीज़ें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। और इसी से रिलेटेड बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस 14 की एक बहुत बड़ी चीज़ यानी कि कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। तो आइए जानते हैं बिग बॉस 14 के उन कंटेस्टेंट्स के बारे में जिनकी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस बार, और कौन कौन है वो आइए जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, जो सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है वो है शहबाज गिल का। जी हाँ, ये है बिग बॉस 13 की सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट शहनाज गिल के ब्रदर। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी घर के बाहर रहकर, और कुछ समय के लिए जब ये घर पर आए थे तो इन्हें भी दर्शकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। दूसरा नाम है मानसी श्रीवास्तव का, जो कि सीरियल 2 दिल बांधे में एक्ट्रेस हैं। तीसरे नाम की अगर बात करें तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये नाम है करण कुंद्रा का। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस में आए हुए हैं जो कि रोडीज विनर होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब रोडीज के विनर बनने के बाद भी उसका एक जज भी आए बिग बॉस 13 में, भाई क्या होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर करण कुंद्रा जो कि रोडीज के जज हैं, तो ऐसे में जब वो घर के अंदर आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा TRP गेन करेंगे और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा देंगे, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो है उमर रियाज का। ये है बिग बॉस 13 के रनर अप आसिम रियाज के ब्रदर, जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था इस बार बिग बॉस 13 में, और एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि कुछ नहीं था घर के अंदर जाने से पहले, लेकिन घर के बाहर आने के बाद वो बहुत कुछ बन गया। तो ऐसे में यहाँ पर उमर रियाज का नाम सामने आ रहा है जो कि आसिम रियाज के भाई हैं। इसके बाद जो नाम है वो है जैस्मीन भसीन का। जी हाँ, नागिन सीरियल की एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन भी जा सकती हैं बिग बॉस 14 में। इसके बाद नाम आता है देवदीना भट्टार्जी का, जो कि हैं हमारी गोपी बहू। इन्हें तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। इसके बाद नाम है चेतना पांडे का, जो हैं इंस्टाग्राम क्वीन और एस ऑफ स्पेस में जा भी चुकी हैं ये, तो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देने का मौका मिलेगा। और क्योंकि ये इंस्टाग्राम क्वीन हैं तो इनको फॉलो करने वाले लोग पहले से ही सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो शायद अगर ये अंदर जाती हैं तो ये काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकती हैं सभी लोगों को। इसके बाद जो नाम आता है सामने वो है शिविंग नारायण का, जो कि खतरों के खिलाड़ी में भी आपको देखने को मिले हैं इस बार के। तो ऐसे में ये भी बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट बन सकते हैं। अब फाइनली नाम आता है उस कंटेस्टेंट का जिसने घर से बाहर रहकर बिग बॉस 13 में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, और वो है नन ऑफ दीज पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी। जी हाँ, नागिन 4 का पहले ऑफ़र इनको ही मिला था लेकिन इन्होंने उसे करने से मना कर दिया। तो ऐसे में यहाँ पर अब शायद आकांक्षा पुरी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करने वाली हैं, और ऐसे में वो शायद कलर्स का कोई भी शो ना छोड़ें और यहाँ पर वो बिग बॉस 14 में ज़रूर आएंगी। इसके बाद आचल खुराना जो कि रोडीज़ 8 की विनर हैं, और इसके साथ ही आरुषि दत्ता जो कि MTV रोडीज़ में भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में ये कुछ नाम थे जो कि बिग बॉस 14 के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, और ये वही लिस्ट है जो इस टाइम इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वायरल है। फिलहाल हो सकता है कि इस लिस्ट से कुछ ऐसे लोग हों जो बिग बॉस 14 में आपको देखने को ना मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग हों जो बिग बॉस 14 में आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनल लिस्ट ज़रूर चेंज होगी, बट अभी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो यही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे चेक कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।